गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी थी इंस्ट्रूमेंट्स की। इस क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में हम उनके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड वन है आपका रिकॉर्डिंग एंड थर्ड वन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के हैं? थ्री टाइप्स के हैं। इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के हैं? थ्री टाइप्स के हैं। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटिंग। तो देखिए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट के समय ही आपको क्या करते हैं, रीडिंग डिस्प्ले करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? विच इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले रीडिंग एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, कि वो उपकरण जो केवल मापन के समय ही रीडिंग प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और इनके एग्जांपल हैं ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, क्या? ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो किस में आते हैं? इंडिकेटिंग में आते हैं। जैसे पीएमएमसी, ईएमएमसी, पीएमएमसी, ईएमएमसी, एमिटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर, मैगर, ओम मीटर, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? इंडिकेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट जिनमें क्या होती है, नीडल्स होती है, वो क्या होते हैं? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पीएमएमसी स्टैंड्स फॉर परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ईएमएमसी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। तो दोनों ही क्या है? मूविंग कॉइल है, लेकिन इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज की जाएगी जबकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज में लाई जाएगी। अब देखिए, जो सेकंड वन है आपका कौन सा है? रिकॉर्डिंग। सेकंड वन कौन सा है? रिकॉर्डिंग। तो इसके साथ साथ इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें स्टोरेज की कोई भी क्या नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है। तो नॉट फैसिलिटी टू स्टोर द रीडिंग। तो रीडिंग स्टोर करने की
कोई भी इसमें व्यवस्था नहीं होती है, जबकि रिकॉर्डिंग होता है इसमें स्टोरेज की फैसिलिटी होती है। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के कंटिन्यूस वेरिएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मान लीजिए आपका कोई भी सबस्टेशन है, उसमें पैनल्स में जितने भी मीटर्स लगे हुए हैं उनमें हमेशा एमिटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, वो सब किस टाइप के होंगे, रिकॉर्डिंग। उनमें जैसे एनी टाइम पता चलता रहता है कि अब करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर फैक्टर क्या है, और वहां पर जो आपका लाइनमैन होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, हर घंटे पर इनकी रीडिंग नोट की जाती है। तो उनमें इसमें क्या रहता है कि स्टोरेज की व्यवस्था रहती है और ये कंटिन्यूस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, विच इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांट एंड हैव स्टोरेज फैसिलिटी, और इनमें क्या रहती है, स्टोरेज की भी व्यवस्था रहती है। तो ध्यान में रखना कि रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे वोल्टेज, करंट, पावर, इनके कंटिन्यूस वेरिएशन को प्रदर्शित करते हैं, लगातार परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, और इनमें क्या रहती है, स्टोरेज की फैसिलिटी रहती है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके सबस्टेशन मीटर, आपका जो सबस्टेशन होता है उसमें जितने भी मीटर लगे रहते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सब स्टेशन मीटर, सब स्टेशन मीटर आपके कौन से टाइप के हैं, रिकॉर्डिंग टाइप के। देखिए सेकंड वन इसका एग्जाम्पल है आपका जो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर ये किसका एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग का। इसके अलावा आपका एक्स वाई रिकॉर्डर भी किस में आता है, रिकॉर्डिंग में आता है। वे स्टोरेज सीआरओ एंड सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी किसका एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में थर्ड वन है इंटीग्रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि उपभोक्ता को पावर सप्लाई समय के साथ प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, विच इंस्ट्रूमेंट गिव पावर सप्लाई टू कंज्यूमर ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कंज्यूमर को पावर सप्लाई
समय के साथ प्रदान कराए या किसी एक निश्चित समय में उसको प्रदान कराता है तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, ठीक है। अब देखिए एनर्जी मीटर भी टू टाइप्स के होंगे, एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर होगा और सेकेंड वन कौन सा होगा, थ्री फेज। सिंगल फेज होगा वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। और इंडस्ट्रियल के लिए थ्री फेज, इंडस्ट्रियल के लिए थ्री फेज। तो हमेशा ध्यान में रखना है इसके एग्जाम्पल। अब जैसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि आपको दिया जाएगा कि एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन दे देंगे आपको, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, या फोर्थ वन नन ऑफ अबो। तो हमेशा ध्यान में रखना एनर्जी मीटर कौन सी टाइप का है, इंटीग्रेटिंग का। इसी प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। तो यहां पर एग्जाम्पल दे दिया आपको पीएमएमसी, ईएमएमसी और स्टोरेज सीआरओ और एनर्जी मीटर। तो यदि आपको एग्जाम्पल ध्यान में है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको इन तीनों जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इनके बारे में ध्यान में रहना चाहिए कि इंडिकेटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है और इंटीग्रेटिंग क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, मेजरमेंट के समय ही रीडिंग रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंडिकेटिंग। सेकेंड वन क्या है, रिकॉर्डिंग, कि वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के कंटिन्यूस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिकॉर्डिंग कहलाते हैं। और थर्ड वन था आपका इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, कंज्यूमर को एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के साथ पावर सप्लाई प्रदान कराता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका एनर्जी मीटर है। तो ये आपको तीनों टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ध्यान में रहने चाहिए, इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कितने टाइप्स के टॉक्स कार्य करते हैं। देखिए यहां पर इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्क अप्लाइड, कितने टाइप्स के, थ्री टाइप्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में थ्री टाइप्स के क्या किए जाते हैं, टॉर्क अप्लाई किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपण बल। सेकेंड वन है आपका कंट्रोलिंग, सेकेंड वन कौन सा है, कंट्रोलिंग नियंत्रण बल। और थर्ड वन है आपका डैम्पिंग टॉर्क, कौन सा, डैम्पिंग टॉर्क। तो ध्यान में रखना कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्क अप्लाई किए जाते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। अब देखिए
यहां पर बात करते हैं टॉर्क्स की। जैसे सपोज कीजिए ये आपका क्या है, स्केल है, ये जीरो है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। इनिशियल कंडीशन में जब तक आप इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट में अप्लाई नहीं करते हो तब आपका पॉइंटर कहां पे रहता है, शून्य पोजीशन पे रहता है। इस पे रहता है शून्य की पोजीशन पे रहता है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, कि पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से मूव कराने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। हमेशा ध्यान में रखना कि पॉइंटर को इनिशियल कंडीशन से मूव कराने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ये बात। ए टॉर्क, ए टॉर्क नीड टू मूव दी पॉइंटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फुल स्केल कि वह बल जो पॉइंटर को शून्य से फुल मान की ओर विक्षेपित करता है वो क्या कहलाता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहलाता है। अब देखिए यदि आपका इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, मेजरमेंट में रन कर रहा है तो यहां पर कंटिन्यू करंट फ्लो होगा, तो कंटिन्यूअसली क्या उत्पन्न होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होगा। और कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होगा तो आपका पॉइंटर शून्य से कहां पर आ जाएगा, फुल स्केल पे आ जाएगा। तो इस प्रकार मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब यदि आपका इंस्ट्रूमेंट में केवल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है तो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इस कारण से आपको किसकी आवश्यकता पड़ी, दूसरे बल की आवश्यकता पड़ी जो क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। तो यहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क के दो पर्पस हैं। कितने पर्पस हैं, टू पर्पस। अब देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क का फर्स्ट पर्पस है कि इनपुट के समान क्या उत्पन्न करना, आउटपुट उत्पन्न करना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, गिव आउटपुट प्रोपोर्शनल टू इनपुट। इनपुट के समान क्या देना, आउटपुट देना। अब देखिए इनपुट के समान आउटपुट देना, और सेकेंड वन क्या है कि जब आपका इनपुट एब्सेंट हो जाए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो होगा। उस समय कौन अप्लाई होगा, केवल कंट्रोलिंग टॉर्क। तो उस पोजीशन में आपके पॉइंटर को इनिशियल कंडीशन पर लेकर आने का कार्य किसका है, कंट्रोलिंग टॉर्क का है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब इनपुट एब्सेंट हो या अनुपस्थित हो उस समय पॉइंटर को अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लाने का कार्य किसका है, कंट्रोलिंग टॉर्क का है। तो यहां पर क्या लिखोगे, व्हेन इनपुट एब्सेंट, व्हेन इनपुट एब्सेंट पॉइंटर कम बैक टू इनिशियल पोजिशन।
इनिशियल पोजिशन। ये दो पर्पज किसके रहते हैं? आपके कंट्रोलिंग टॉर्क के। अब देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क के क्या रहता है? अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अब हमेशा ध्यान में रखना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यदि अधिक होता है किससे? कंट्रोलिंग टॉर्क से, तो आपका पॉइंटर कहां जाएगा? जीरो से फुल वैल्यू की ओर। और यदि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क अधिक होता है किससे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, तो आपका पॉइंटर किधर जाएगा? इस वाली साइड, यानी फुल स्केल से जीरो। अब देखिए, आपका पॉइंटर किसी निश्चित मान पर रुकेगा क्या? पॉइंटर क्या स्थिर अवस्था क्या होगी? जब दोनों बल क्या हो? इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी आपका पॉइंटर किसी निश्चित मान पर रुक सकता है। तो आप क्या लिखोगे? अंडर स्टडी स्टेट डिफ्लेक्टिंग, अंडर स्टडी स्टेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अंडर स्टेडी स्टेट पॉइंटर की जब स्थिर अवस्था आती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि पॉइंटर शून्य से फुल की ओर कब डिफ्लेक्ट होगा? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अधिक हो। किससे? कंट्रोलिंग से। और आपका पॉइंटर फुल से शून्य की ओर कब डिफ्लेक्ट होगा? जब कंट्रोलिंग टॉर्क अधिक हो। किससे? डिफ्लेक्टिंग से। और पॉइंटर स्टडी स्टेट कंडीशन में कब आता है? जब आपके दोनों बल क्या हो? इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी ये क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए, थर्ड वन है आपका डैम्पिंग टॉर्क। क्या है आपका? डैम्पिंग टॉर्क है। थर्ड वन है आपका डैम्पिंग। अब देखिए, पॉइंटर जब स्थिर अवस्था में आता है या स्टडी स्टेट में आता है तो उस वैल्यू के पास में क्या करता है? दोलन करता है या ऑक्सीलेशन करता है, अनवांटेड ऑक्सीलेशन। तो इस प्रकार क्या करता है? आपका पॉइंटर पहले इस प्रकार विक्षेपित होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है? किसी निश्चित मान पर रुकता है। तो इस प्रकार ये रुकने में क्या लेता है? अधिक समय लेता है। अधिक समय लेता है तो मेजरमेंट में भी आपको क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा। तो इसलिए डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है? अनवांटेड ऑक्सीलेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है, जिसके कारण मेजरमेंट में समय भी क्या लगता है? कम लगता है। डैम्पिंग टॉर्क रिड्यूस द अनवांटेड ऑक्सीलेशन ऑफ पॉइंटर एंड रिड्यूस टाइम ऑफ मेजरमेंट तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है? कि आपका जो अनवांटेड ऑक्सीलेशन है पॉइंटर का, उसे रिड्यूस करेगा, जिसके कारण मेजरमेंट में समय भी आपको क्या लगेगा? कम लगेगा। तो एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डैम्पिंग टॉर्क यदि किसी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क अब्सेंट रहता है तो क्या होगा? तो आपको ध्यान में रखना है कि मेजरमेंट में समय अधिक
लगेगा, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा कि ये पॉइंटर कब किसी निश्चित मान पे रुके और हम यहां से रीडिंग नोट करें। तो यहां पर दिस वन यू हैव टू माइंड इट, ठीक है। तो ये है आपके थ्री टाइप्स ऑफ टॉर्क। अब इनकी डिटेल्स स्टडी पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कंट्रोलिंग टॉर्क और उसके बाद में डैम्पिंग टॉर्क। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएंगे। थैंक यू।